कल क्यों नहीं आए थे? कल क्यों नहीं आए थे? इनका मनुष्य जीवन, हेलो हेलो, इनका मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन कमांडोज, तुम्हारा तो जोश ही नहीं। मनुष्य जीवन, इनका मनुष्य जीवन ये बताएंगे कि इनका मनुष्य जीवन एक भाई तो खत्म करा रहा है, कुछ भाई सफल करा रहे हैं। अब इन्हीं से पूछा जाए कि इनको क्या सजा दिया जाए, कल ना आने की इनको क्या सजा दिया जाए। भाइयों बहनों, आप जो है इन्हीं के हाथ से बुझोगी ये क्या चाहते हैं मनुष्य जीवन। चलो बताओ, मनुष्य जीवन सफल हो गया या धन्य हो गया? धन्य हो गया सर, धन्य। यहाँ आने से? ये बिल्कुल सर। यहाँ आने से कैसे धन्य हो गया? डबल ओ के रूप में सिलेक्टेड हो गया हूँ मैं। जिस सपने को लेकर आप लोग अभी आए हो, उस सपने को लेकर ये 2-3 साल पहले आए थे। बीच में SSC का प्रोटेस्ट वगैरह सब हो रहा था ना सर, फिर लॉकडाउन हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन आज रिजल्ट आया है और आज इनका जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, इनके घर वालों का जीवन धन्य हो गया, और जो आएंगी घरवाली उनका भी जीवन धन्य हो गया। अब आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए इनको, बताइए इनके बारे में थोड़ा सा। मैं हट जा रहा हूं, आप पूरा अच्छे से इनको थोड़ा सा गाइड कीजिए, 5 मिनट के में इनको गाइड कर दीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहित गुप्ता है। अभी CGL 2018 का रिजल्ट आया है, तो कल रात को रिजल्ट आया, उसमें ऑल इंडिया रैंक 146 के साथ WO बना हूँ, सेलेक्ट हूँ। और बस सर का आशीर्वाद है कि WO बन गया। सर एक्चुअल में मैं भी आपकी मैं से ज़्यादातर की तरह गांव से ही हूँ, मेड़ता रोड नागौर से हूँ मैं, और हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। और 10th तक तो बस जैसे सब टाइम पास करते हैं, टाइम पास ही चल रहा था जिंदगी में। फिर उसके बाद आगे शहर पढ़ाई करने, और पढ़ाई करते करते कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है, तो फिर पता चला कि SSC का कोई एग्ज़ाम होता है। फिर आए जयपुर, ढूंढी कोचिंग, कुछ समझ में नहीं आया। फिर पहले कुछ समझ में नहीं आया तो किसी ने मुझे बोला मैथ्स के लिए चल जाओ आप सनी पैराडाइज में, चौधरी कॉम्पिटिशन क्लासेस, वहाँ मैथ्स पढ़ने गया। फिर सोचा इंग्लिश 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 इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि VIPM उसी साल सनी पैराडाइज में 5th फ्लोर पर खुला, तो VIPM पहुंच गया मैं डेमो लेने के लिए। और आज मैं उसको अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि मैं VIPM पहुंच गया, बस 5th फ्लोर पे वो खुल गया था। वो मेरा पहला ही बैच था, और शायद मेरी किस्मत ही थी कि वो मेरे किस्मत से, नहीं तो मैं त्रिवेणी नगर नहीं आता इतनी दूर, क्योंकि किराए विराए का तो मैंने कहा इतना दूर तो नहीं होगा, आसपास ही ढूंढते हैं। और उसी साल आसपास ऊपर ही सनी पैराडाइज में 5th फ्लोर पे VIPM खुला, डेमो लेने गया। तो डेमो में देखा सबसे पहले नाउन एडजेक्टिव इन सब की पहचान, मैंने कहा ये पहले तो दिमाग घुमा भाई कहा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। फिर मैं डेमो कंटिन्यू किया, और फिर धीरे 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 मुझे सर जिस तरह से डीप में जा रहे थे मुझे समझ में आ गया कि सर अल्ट्रा लेवल पे चल रहे हैं, अलग ही लेवल है सर का, कुछ डिफरेंट ही है, जो बाकी रटाते हैं ना नियम वैसा नहीं है। ऐसे सर जैसे बार बार उस टाइम बोलते थे, अब तो कम बोलते हैं, कि मैं पूरे सेंटेंस की सर्जरी कर दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा उसका, पुर्जा पुर्जा खोल के आपको दिखा दूंगा। और वो मुझे शुरुआत में महसूस हो गया, तो दूसरे तीसरे दिन ही मैंने तो फीस जमा करवा दी कि मैंने तो पढ़ना है तो सर से ही पढ़ना है अब। और फिर उसके बाद क्लास लेता गया, तो बस उस क्लास में इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी हो गई, अभी मैं जो WO के रूप में सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको पता है हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चों की इंग्लिश कैसी होती है। और मेरे मेंस में
2018 में इंग्लिश में थे 188 आउट ऑफ 200, और प्री में भी लगभग इतनी 50 आउट ऑफ 50 समथिंग ही थे, एक्चुअल याद नहीं है, या तो 47.5 थे या 50 आउट ऑफ 50 थे। एक क्वेश्चन बाद में वो एसएससी ने एरर माना था उसका, तो बस वो इंग्लिश की वजह से ही सेलेक्ट हुआ। बाकी आपको पता ही है इंग्लिश कितना वो रहता है। सर के पास आया, एक तो मैं डिजिटल ब्रांच में पढ़ता था, तो जिसको भी ये लगता है कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं या डिजिटल ब्रांच में पढ़ते हैं तो कैसे कैसे, मैं डिजिटल ब्रांच में ही पढ़ा हुआ हूँ, और पूरा कोर्स ख़त्म होने तक कभी मैं सर के पास नहीं आया, बस पढ़ता रहा। मैंने कहा चलेंगे सर के पास सेलेक्ट होके, और आज सेलेक्ट होके आया हूँ बस। VIPM ने, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता किस तरह मुझे यहाँ पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाई है, जो आप लोग अभी समझ नहीं रहे कि क्या चीज़ है जो सर पढ़ा रहे हैं ना, वो अल्ट्रा लेवल की चीज़ें हैं, बहुत ही हाई चीज़ है, इतना डीप में कोई जाता ही नहीं है। खूब कोचिंगें देख ली मैंने इन 2-3 सालों में, बड़ी बड़ी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, सारे यूट्यूब चैनल सब छानबीन के देख लिया, जो सर पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। इस बात को मेरा ध्यान रखना, एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, बीच कोर्स में तो फिर भी यूँ लगता है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको लगेगा भाई क्या पढ़ ली अपन, क्या कितनी हाई लेवल की इंग्लिश हो जाएगी आपकी। और ऐसा नहीं है कि केवल कंपटीशन की है, कम्युनिकेशन स्किल भी मेरी उससे सुधरी, जो सर का आप जो आपकी बुक में पता नहीं अब होगा या नहीं होगा, एक पीछे 200 सेंटेंस आते हैं जिसमें सेंटेंस है, और सेंटेंस का सर ने जैसे सर समझाते उसी को लिख रखा है, शब्दों में जो बोलते हैं सर उसी को लिख रखा है। तो मैंने जब बुक देखी, तो मैंने बुक में वो 200 पूरी बुक देखी, तो वो 200 सेंटेंस देख के जो मैंने देखा ना कि सर किस तरह समझा रहे हैं कि है क्या? ये पेज नंबर 240 पर है ना, ये इसकी पहली एक्सरसाइज है, पेज नंबर 208। पे है ना एक्सरसाइज, ये 200 क्वेश्चन है, ये 200 क्वेश्चन मैंने शुरुआत में केवल ऐसे ही नजर मारी कि चलो बुक एक बार बुक सभी देखते हैं ना, तो मैंने बुक पे ऐसे ही नजर मारी, और जब मैंने इनको थोड़ा सा पढ़ा तो फिर लगा भाई क्या समझा रखा है ये, क्या मतलब कितना एक एक चीज को जो सर बोलते हैं ना सर्जरी कर दूंगा, वाकई में वो सर्जरी हो रखी है। तो फिर बस वहां से ये सब आप जरूर पढ़ना, और बार बार पढ़ना, जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है सर की, एडजेक्टिव प्लस किस चीज का कहाँ यूज होता है, सर की एक्सरसाइज है ना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, उन सब के जो कॉम्बिनेशन है, और जो वोकैब की बुक है। अब सर मैं इसको इसको ये देखो, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब कॉम्बिनेशन है ना, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसमें से ही आएंगे। क्लोज टेस्ट 90% अगर क्लोज टेस्ट आएगा ना इसी में से आएगा, इन्हीं कॉम्बिनेशन में से, क्योंकि क्लोज टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ही होता है कि आपको कितने कॉम्बिनेशन पता है, आपकी रीडिंग स्किल्स कहाँ हैं। तो जिसको ये है ना कि पेपर वेपर न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो ये कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेगा ना, इसका सेंटेंस में यूज सीख जाएगा। क्लोज टेस्ट आते हैं मेंस में 30 नंबर के, 30 में से 25 नंबर कम से कम इनकी वजह से पक्के हैं, इन कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और इसके जो कॉम्बिनेशन है ना इसको आप बिल्कुल उतार लेना दिमाग में, और भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, ये स्पेशल नाउन वगैरह ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके जो कॉम्बिनेशन है ना, और जो नाउन प्लस प्रीपोजिशन के जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है आगे अलग अलग, उन सबको भी जरूर पढ़ना। और जो सर पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, W बन गए हूँ आज, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको डूब के पढ़ लो, एकदम मजा आ जाएगा। और हम मतलब ये कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, मैं सब हर जगह खाक छान चुका, इंग्लिश की मैथ्स की सब की छान चुका, 3 साल से यही कर रहा हूँ, पेपर तो 2018 में ही दे लिया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, इसको बिल्कुल पढ़ लेना, मैथ्स इंग्लिश आपकी बिल्कुल शानदार हो जाएगी, यही नहीं जिंदगी में कहीं नहीं अटकोगे इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी डेवलप हो जाएगी इससे आपके, इससे कॉम्बिनेशन से,
कि इसका कोई जवाब नहीं है, कोई 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 लिमिट नहीं है, बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। भी रहेगी साथ में। टीचिंग करियर में ढेर सारे स्टूडेंट्स, इस लंबी जर्नी में ढेर सारे स्टूडेंट्स आए गए और कुछ आईएएस आईआरएस भी बने, कुछ आरएएस भी बने, आर्य स्टॉप भी किया मेरे स्टूडेंट्स ने, फिफ्थ रैंक भी पाई, हर फील्ड में गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेके क्लर्क एलडीसी तक हर पोस्ट पे गए। लेकिन इस तरह के स्टूडेंट्स कुछ ही होते हैं जो मेमोरेबल होते हैं, क्योंकि जिस एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आकर, गांव के परिवेश से आकर और स्ट्रगल करके और सेलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात है, और अपने को फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहना और स्ट्रगल भी करना वो बहुत बड़ी बात थी। तो अपनी उस स्टोरी को भी अगर आप बता सको तो बताओ, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट आप जैसे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं अभी, तो इससे इनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप बताना चाहो तो, शेयर करना चाहो तो, जो स्ट्रगल आपने किया, हर तरह का स्ट्रगल, तो उसमें प्रेशर भी आता होगा, डिप्रेशन भी आता होगा, कभी लगता होगा गांव चले जाएं, कभी कुछ, तो इस तरह की जो बात है वो थोड़ा इनको बताओ, इनको मोटिवेशन मिलेगा। हेलो, सबसे पहले तो जब तैयारी करने आ रहा था तो सबने यही बोला था कि जनरल को नौकरी मिलती कहाँ है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मैं मेरे ख़ानदान का पहला हूं जो सरकारी नौकरी में यहां पर पहुंचा हूं। मेरे ख़ानदान में सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे ताऊ जी हैं गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बैकग्राउंड ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, कोई जाता ही नहीं है तैयारी करने, क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि जनरल को तो मिलती ही नहीं है नौकरी, तो कोई तैयारी करता ही नहीं है। पर मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, मैं हूँ गुप्ता जनरल कैटेगरी से बढ़िया, तो यहाँ तो यही होता है बिजनेस या फिर सीए कर लो एमबीए कर लो, तो मैंने कहा ये नहीं करेंगे तो कुछ डिफरेंट करेंगे, और ऊपर से इतनी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी कि लाखों लाखों रुपए की फीस किया जाए, वो सब भी नहीं, तो डिमोटिवेशन तो चारों तरफ था, क्योंकि रिश्तेदारों को तो आपको पता ही है, क्या कहानी कहूँ मैं, बस मौका चाहिए होता है ना, तो उनका तो सेम यही था कि नहीं होता नहीं होता, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं होता, कुछ नौकरी कर ले, कुछ ढूंढ ले, सीए कर ले, सीए कर ले, सीए का तो इतना था कि बस मैंने रिसिस्ट कर दिया जैसे तैसे, नहीं तो बिठा ही देते पकड़ के उठा के क्लास में, तो तैयारी करने, और ऊपर से जब ये आप एक साल में रिजल्ट आ जाए, एग्जाम देके निकल जाओ तो ठीक रहता है, पर जब तीन साल वो एसएससी में प्रोटेस्ट हो गए, फिर कोर्ट केस में हो गया, तो 2018 का दिया हुआ पेपर और 2021 में रिजल्ट आए, तो लोग भी पूछते पूछते हो जाते हैं, मतलब ये हालत हो गई थी कि होली दीपावली घर जाने से पहले सोचना पड़ता था कि बस कैसे जाना है और कैसे वापस आना है, ऐसी गाड़ी करो रात को जाओ सुबह आ जाओ, तो उस फिर बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सब रहती थी, तो उसी दौरान तैयारी करना और फिर इस पूरे चार साल को खींचना लगातार, ये भरोसा बनाए रखना कि हाँ ठीक है हो जाएगा करो तैयारी करो तैयारी, तो जो स्ट्रगल है सभी करते हैं, देखो मैं अकेला, मैं पहला नहीं हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं आखिरी भी नहीं हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो मेरे से ज़्यादा, मैं तो फिर भी मुझे लगता है कम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं वो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मैं जानता हूँ, और उन बहुत बुरी कंडीशन में रह के पढ़ रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले भी मौजूद हैं और वो इंस्पेक्टर बन रहे हैं, अभी बने हैं इंस्पेक्टर एग्जामिनर बने, और उनका स्ट्रगल मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब 50-50 रुपए भी उनके पास नहीं होते थे,
वो बोलते थे भाई गांव जाना है 50 रुपये दे दे, तो और वो आज एग्जामिनर है बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं, कोई कैग में डीए बना है, सब बने। तो ये जो स्ट्रगल का फेज है ना भाई, इसको बहुत लगता है कि कब होगा ख़त्म, कब होगा ख़त्म। पर एक बार आप इसके मतलब वो होता है ना कि जिंदगी में इतना संघर्ष तो होना ही चाहिए कि अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए दूसरों की कहानियों की जरूरत ना पड़े। तो ये आप लोग ये तय करो कि इतना स्ट्रगल तो हो ही हो कि अपन को कहानियाँ किसी और की नहीं सुनानी पड़े, और इस स्ट्रगल को लंबा खींच जाना और फिर उसको कंटिन्यू करना। अब जैसे 2018 में सेलेक्टेड हूँ, पर पता थोड़ी था 18 में हो जाऊँगा, तो 19 की भी तैयारी करी और अभी भी 20 की तैयारी कर रहा हूँ। मई में पेपर है और तैयारी कर रहा हूँ। 1 अप्रैल से जीके पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि जीके ठीक पिछले 2 साल में हो गई, तो मैंने जीके को होल्ड पे डाल दिया था। तो मई में फिर एग्जाम दे रहा हूँ आप लोगों के साथ ही, ठीक है ना? तो आप लोग देख लेना आपकी कॉम्पिटिशन क्या है और आप लोग कहाँ तैयारी कर रहे हो। और जो स्ट्रगल है वो तो सबको ही करना पड़ता है, इसमें कुछ वो नहीं है। मैं तो ये सनी पैराडाइज में क्लास लगती थी और ये त्रिवेणी नगर में VIPM थी, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी किस्मत ही थी कि मैं 5वें फ्लोर पे VIPM खुल गई, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि एक और 10 रुपये और लगाऊँ किराया, उधर से उधर जाऊँ कहूँ ये सब। मैं रहता हूँ बजाज नगर पे, तो वहाँ से स्टेशन क्रॉस करके पैदल ही यहाँ आया करता था सनी पैराडाइज। बजाज नगर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पीछे रहता हूँ, और वहाँ से स्टेशन क्रॉस करके रोज सनी पैराडाइज तक आया जाता था। फिर वो VIPM दूर हो जाता था, और फिर बस वो पता नहीं कैसी किस्मत ने साथ दे दिया और VIPM ऊपर खुल गई। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि VIPM में कैसे तैसे पहुँच गया, मैं पता नहीं कैसे भगवान की करामत थी क्या थी कि VIPM मिल गई और इतना हो गया मेरा, नहीं तो भटकता ही रहता मैं इंग्लिश में। क्योंकि एक बार तैयारी कर लो फिर आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तैयारी क्या आती है, क्वेश्चन क्या आते हैं, फिर उसके बाद अपन देखते हैं। या फिर मेरे जो और भी दोस्त हैं जो और जगह क्लास ले रहे थे, नाम नहीं लूंगा, पर हर तरह के दोस्त हैं जिन्होंने हर तरह की तरह तरह की जगह से क्लास ली है, पर जब उनका कंटेंट देखता हूँ, उनका बुक्स देखता हूँ, तो लगता है कि भाई ठीक है, सही आ गए, सही पकड़ ली लाइन, सेट कर दिया भगवान ने मामला, VIPM में पहुँच गए, बस इतना ही है। और बाकी स्ट्रगल का करना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। तो आप उसको जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेके करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। थैंक यू। तो ये रहा मोहित जी का स्ट्रगल का सफ़र। मैं चाहता हूँ कि आप इनसे इंस्पिरेशन लेकर के, और यार ये नागौर वाले में कुछ खास बात, ये बंदा भी नागौर का ही है, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ, ये बंदा जो है ये अभी BSc करके अभी गेट क्वालिफाई कर लिया। हाँ PhD करेंगे ये, IIT से या रुड़की से PhD करेंगे ये। कहाँ से PhD करोगे आप? IIT दिल्ली से, IIT दिल्ली से ये PhD। ये नागौर वालों में कुछ खास ही बात है यार। और ये देखो भैया, लोहे को सोना कोई नहीं बना सकता, सोना तो पैदा होता है, धरती से पैदा निकलता है, वो पैदा होता है। तो टैलेंट होती है, लेकिन टैलेंट बहुतों में है, मेन चीज होता है कि उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है सक्सेस में। तो आप थोड़ा प्रवीण जी थोड़ा भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप तो बहुत, खैर आपका तो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी आप एक सक्सेस स्टोरी अपने हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मेरा नाम प्रवीण जोशी है, मैं नागौर से हूँ, पर्वतसर से, और मैंने MSc कर रखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। और इस बार मैंने गेट दिया था, क्योंकि मैं पिछली बार भी क्वालिफाई कर सकता था गेट, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, और वो इस बार हुआ फरवरी में। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 380 है गेट में। तो और इंटरव्यू है अभी मेरा जून में IITs का। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि नहीं एक दिन में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लगातार मेहनत करनी ही है हर चीज़ में। आप जिस चीज़ को, आप ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान भटकना चाहिए कि मैं 10 चीज़ें कर लूँगा एक साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसी पे टिके रहें, कोई नहीं, कई बार असफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं कि ये मैं पहली बार में ही दिया और हो गया, मैंने नेट भी दिया, मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, ऐसा कुछ नहीं। तो
मेहनत आप करते रहोगे तो आखिरकार आपको सफलता मिल ही जाएगी, ये बात पक्की है। तो मेहनत करते रहे, अभी मई में एग्जाम है तो आप अब 2 महीने बचे हैं, तो आप ध्यान से बहुत मन लगा के पढ़े, कम से कम 10-12 घंटे इस चीज को दे, सब चीजों पे बराबर ध्यान दे। इंग्लिश मैं कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास में ढंग से पढ़ रहे हैं, सर से आप ढंग से पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ 2 घंटे ही घर पे जाके इस पे ध्यान दे देना, तो SSC का पेपर इतना कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ की क्लास के बाहर कुछ आएगा। जो सर पढ़ा रहे हैं, अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे हैं, सारा कुछ यही आता है। और सब चीज़ों पे बराबर ध्यान दे, GK भी पढ़े, मैथ भी अच्छे से करें, तो बस कुल मिला के मेहनत करनी है, बस उसी से ही होना है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे बोलो। ठीक है, ये बहुत शर्माते हैं, आज लाइफ में पहली बार इतना बोला होगा मेरे सामने, ये बहुत डरते हैं, बहुत शर्म आती है इनको, बहुत शाही नेचर है, लेकिन अंदर से बहुत ही तेज खोपड़ी है, बहुत तेज खोपड़ी, लेकिन बहुत ये जल्दी जो है, ये जरा ये बताइए, वो जब जल्द आप परेशान हो जाते हो तो मैं क्या सलूशन वाली बात क्या बोलता हूँ, जरा बताओ। सर एक ही बात बोलते हैं कि तू बताया तो सर मुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, तू बस बता कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। और वाकई में सिर्फ पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई के बाहर भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई है, सबके सलूशन सर से मुझे मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहित जी और थैंक यू प्रवीण कुमार जी, माई ऑल द बेस्ट विशेज टू बोथ ऑफ यू, एंड आई होप यू विल गेट इवन बिगर सक्सेस इन योर लाइफ, एंड मेक वी ऑल कीप मेकिंग वी ऑल प्राउड एंड प्राउड अगेन एंड अगेन। थैंक यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VIPM अकेडमी, द जेम्स ऑफ VIPM में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर मोहित गुप्ता, वेलकम मोहित जी। फ्रेंड्स, मोहित जी SSC CGL 2018 में डबल AO इन CAT सेलेक्ट हुए हैं, जो कि एक गजेटेड पोस्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सुना है, कामयाबी उतनी मुश्किल नहीं और उतनी आसान भी नहीं, तो आज मोहित जी की सक्सेस स्टोरी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मोहित जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ, नागौर में मेड़ता रोड से मेरी 10th की स्कूलिंग हुई है, और फिर वहां से मैं 11th में जयपुर आया था, और BCOM मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से की है, और 2017 में मैंने ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद अगस्त 2017 से मैंने SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आपने कब सोचा कि आपको SSC की फील्ड में जाना है? मैम, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक्चुअली 12th से पहले मेरा ये था कि CA करना है, CA करना है, पर आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो ग्रेजुएशन के टाइम मैंने ये सोचा कि करना क्या एक्चुअली में, तो फिर मैंने काफी रिसर्च की, तब SSC के बारे में पता चला, तो फिर मैंने उसके बाद कुछ ग्रेजुएशन के टाइम कुछ ऐसे कुछ हो गए कारण, जिसकी वजह से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सका हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो फिर उसके बाद मैंने 2017 अगस्त से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। 17 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और 18 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उसी का फॉर्म मैंने फर्स्ट टाइम फिल किया था। okay. और उस 17 अगस्त में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा, आपने बताया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। yes, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के और उसी में ही सक्सेस, इसके लिए आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रही होगी, तो आप सबके साथ शेयर कीजिए आपकी स्ट्रेटेजी। मैम, स्ट्रेटेजी ऐसे मैं जैसे कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी जैसे 1 वीक के लिए, तो मैं बस टॉपिक देख लेता था कि मुझे इस वीक में टॉपिक खत्म करना है, उसको कभी भी आवर्स में लिमिट नहीं करता था कि इतने आवर्स में टॉपिक फिनिश करना है, क्योंकि आवर्स में करते हैं तो जैसे कुछ भी है आप उसको 2 घंटे में कंप्लीट करना है आपने सोचा, तो अगर वो नहीं हुआ तो आप लास्ट में फिर उसमें तेजी से करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं और आपको लगेगा टास्क कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मैंने कभी भी आवर्स के हिसाब से किसी भी चीज को लिमिट नहीं किया। मैंने कहा ये टॉपिक करना है इस वीक में करना है, चाहे वो कितना भी टाइम ले ले, मुझे इस टॉपिक को अच्छे से करना है एक बार में, बस यही पूरा जो स्ट्रेटेजी थी, मैं इस पर फोकस थी कि हर टॉपिक को अच्छे से टाइम दो जितना टाइम वो डिमांड करता है।
तो जैसे टॉपिक भी टाइम की डिमांड करता है. एसएससी में बहुत सारे एज इन फोर सब्जेक्ट्स है, तो चारों सब्जेक्ट भी टाइम की डिमांड करते हैं, तो कैसे आपने चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चले और उन सभी के लिए उतना ही प्रिपेयर किया एग्जाम क्रैक करने के हिसाब से? ये तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से कॉम्पिटिशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके और सक्सेस नहीं हासिल की जा सकती, बड़ी पोस्ट हासिल नहीं की जा सकती. तो मैंने शुरू से ही चारों सब्जेक्ट पे फोकस रखा. मैंने कभी ये नहीं किया कि अभी मैथ्स अभी इंग्लिश. जब तैयारी स्टार्ट की अगस्त में तो मेरे को पता था 18 में एग्जाम है, 6 महीने के समथिंग कुछ थे, तो फिर मैंने उसी टाइम चारों सब्जेक्ट एक साथ लिए. सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर कुछ पेपर देखे, तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने पर यह आया कि जीके तो जीके और रीजनिंग इस पे ये अलग है, तो मैंने जीके और रीजनिंग की कोचिंग ही नहीं ली. रीजनिंग जो है वो मैंने केवल मॉक टेस्ट दिए, न कोई क्लास ली, न कोई बुक खरीदी, कुछ भी नहीं. केवल और केवल मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट होते हैं या फिर जो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी रीजनिंग जो है उसको किया. और जो जीके होती है वो मैंने किए लूसेंट से, जैसे सब प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट का, तो मैंने केवल और केवल जीके का प्रीवियस ईयर पढ़ा है और किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर मैंने नहीं पढ़ा. तो जो जीके में घटना चक्र आती है उसको किया था, और घटना चक्र एक बार की थी बस, और जो लूसेंट उसको मैंने 4 बार पढ़ा था कम से कम. तो वही मेरा जीके का सब कुछ था. और करंट अफेयर्स जो रेगुलर वीडियो देखना या फिर मैगजीन लाना, मैगजीन पढ़ना, और मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, तो वहां से भी काफी करंट अफेयर्स में मेरी हेल्प होती थी. तो इस तरह से मैंने अपनी जीके कर ली. और मैथ्स मेरी ठीक ठाक मैथ्स थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने मैथ्स भी कर ली, अर्थमेटिक और एडवांस. एडवांस पोर्शन मेरा ज्यादा अच्छा था, तो मैंने अर्थमेटिक पे भी काम किया, एडवांस पे भी काम किया. ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा है तो उसको छोड़ दिया जाए, दोनों पे काम किया. और जो इंग्लिश है वो वोकैब और ग्रामर पोर्शन दो में डिवाइड है, तो मैंने शुरू से पहले दिन से ऐसा नहीं कि ग्रामर की चल रही है तो वोकैब छोड़ दिया. एक तो जब मैं वीआईपीएम में पढ़ता था तो पहले दिन से हमें वोकैब की क्लासेस मिलना शुरू हुई थी. जो सर की बुक है केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसको मैंने जब सर मैं क्लास में टाइम से पहले पहुंच जाता था, तो अगर 10 मिनट भी पहुंच जाता था तो मैं उस बुक को पढ़ लेता था. और जो रेगुलर सर एक्स्ट्रा क्लास देते हैं वोकैब की वो भी ले रहा था, और जो केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स है उसको रेगुलर पढ़ रहा था. कभी भी उसको मिस नहीं किया, इसको 1 महीने बाद कर लेंगे या 2 महीने बाद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया. उसको पहले दिन से कंटिन्यू करा. और जो सर का जो कंसेप्ट थे, जो ग्रामर कंसेप्ट मैनुअल में थी, उसी को पढ़ा. इंग्लिश में ज्यादातर बच्चे एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी, खरीदी भी नहीं. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सर की कंसेप्ट मैनुअल में जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है वही किए. और जो सर क्लास में कराते थे उनको घर जाके रिपीट करता था वीकली, संडे टू संडे उनको दोबारा रिवाइज करता था, और फिर सीधे मॉक टेस्ट पे देने शुरू कर दिए मैंने. तो मैंने इतने ही तैयारी की, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक को इकट्ठा कर लिया. अभी आप बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आपको मतलब सभी जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक इस तरह का होता है थोड़ा सा डर इंग्लिश को लेकर, तो आप में भी ऑब्वियसली उस स्टार्टिंग फेज में इंग्लिश के लिए कोई डर था, या फिर आपने इंग्लिश को हमेशा से अपना स्ट्रांग माना और उसी को ही पढ़ा? नहीं मैम, एक्चुअली मैं इंग्लिश मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं इंग्लिश मुझे पढ़ना पसंद है. मैं जब इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी तब भी न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, तो जो हिंदी मिल जाए इंग्लिश मिल जाए मैं उसको खोल के पढ़ता रहता था. तो वहां से मेरा एक इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इंग्लिश पढ़नी है. फिर जब कॉम्पिटिशन में आई तो मैं इंग्लिश को बड़े शौक से पढ़ता था कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, और उसको एज अ सब्जेक्ट कम और ज्यादा अपने पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैंने उसको लिया. नॉट एज अ सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा कि मुझे इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा सीखना है, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, उस पर्पज से लिया. तो उसका मुझे फायदा भी हुआ और पेपर में भी फायदा हुआ. तो इंग्लिश आपने वीआईपीएम से की है, तो वीआईपीएम का क्या रोल रहा आपके सक्सेस ये मेरा गुड लक ही था कि मैं वीआईपीएम में पहुंच गया. जब ये त्रिवेणी नगर चलती थी वीआईपीएम, तो उस समय मैं सनी पैराडाइज में गोपालपुर मोटिव चौधरी सर के मैथ्स की क्लास ले रहा था. तो जो मार्केट में होता है कि ये टीचर फेमस है, ये टीचर फेमस है, इनके जाना है, उनके जाना है, तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है. कहीं डेमो लिए, कुछ बना नहीं, कहीं भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो चीज होती है कि ये चीज में ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जो मेरे पढ़ने लायक हो, जिसको मतलब मजा आए पढ़ के, वैसा कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला किसी भी. तो मैं ऐसे करता गया करता गया. फिर उसी बीच
डिजिटल ब्रांच खुल गई वीआईपीएम की सनी पैराडाइज में, फिफ्थ फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे मेरी मैथ्स क्लास थी, मैं डेमो के लिए चले गया। और डेमो के लिए चले गया तो पहले एक दो दिन डेमो लिए, बुक देखी। सबसे पहले तो उसकी बुक ही मुझे, जब मैं मैथ्स पढ़ रहा था तो उसी दौरान कई बच्चे वीआईपीएम में जा रहे थे, तो मैंने बुक देखी। पहले मैं बुक से वीआईपीएम जाना, क्योंकि जो सर की बुक है कंसेप्ट मैनुअल और केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, तो जो कंसेप्ट मैनुअल थी उसमें जो पीछे एक कुछ 201 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसने सर ने 200 सेंटेंस को लेके उसका पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे सर बोलते हैं ना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कि मैं इस सेंटेंस की पूरी ऑपरेशन कर दूंगा, सर्जरी कर दूंगा, तो वो देखा मैंने। वो जिस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन था ना, वो एक्सप्लेनेशन मैंने इतने डेमो में नहीं देखा, इतनी कहीं बुक में नहीं देखा, तो एक तो वो काफी इम्प्रेसिव लगा। और जो केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स में भी जो सर की टीवी प्लस ऑब्जेक्ट, आईटीवी प्लस प्रीपोजिशन, ये सब की कॉम्बिनेशन है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, उस कॉम्बिनेशन को देख के मुझे लगा ये बहुत शानदार चीज है, एक बार डेमो के लिए चलना चाहिए। फिर डेमो में गया, पहले दिन पहला ही बैच था मेरा सनी पैराडाइज में, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ मेरा गुड लक है। तो वहां गया, वहां पहले दिन नाउन एडजेक्टिव की पहचान, जहां कहीं भी जाते हैं पहली बार तो वही मोस्टली 90% जगह वही नाउन से शुरू होता है या फिर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, और वही लिमिटेड जो बुक्स किताब में रूल्स बुक में लिखे हुए हैं उनको है जैसे के जैसे वो लोग मतलब उनको ही रीड कर देते हैं, वो सेल्फ स्टडी टाइप हो गया। तो और जब मैं सर के पास पहली बार गया तो पहले दिन क्लास में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव की पहचान, फिर उसका सेंटेंस में यूज, फिर उसका सर ने बताया बी के बाद चार चीज आती है, वर्ब क्या, यानी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। तो जो मेरे आज तक कंफ्यूजन होता था कि बी के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आती है आईएनजी, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, तो जब डेमो में सब मैंने देखा कि किस तरह से पहचान करा रहे हैं, वो किस तरह सेंटेंस में काम आ रहे हैं, उसके थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े बड़े पीक्यूआरएस तक सॉल्व हो रहे थे, तो फिर मैंने उसी टाइम वीआईपीएम में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा ये कुछ यूनिक है, इसमें कुछ तो बात है कि सर इतना डीप में जाके पढ़ा रहे हैं, कुछ बात है, बुक भी ऐसी लगी मुझे, तो मैंने उस टाइम ही वीआईपीएम में एडमिशन ले लिया। और पूरा फिर बस सर जैसा जैसा पढ़ाते गए वैसा वैसा सर पे भरोसा, बस एक टीचर एक बुक सर पे पूरा भरोसा। वीआईपीएम के यूनिकनेस आपको पसंद आई और ये आपकी सक्सेस में एक रोल भी निभाया इसमें। यस मैम ऑफ कोर्स। तो आपने मैथ्स के जीके के लिए भी कुछ स्पेसिफिकली कोचिंग नहीं किया? मैथ्स के लिए क्या मैम, जीके के लिए नहीं किया, जीके और रीजनिंग के लिए नहीं किया। ओके, मैथ्स के लिए आपने कोचिंग किया था। मैथ्स का भी एक अच्छा वेटेज होता है स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश और मैथ्स में से जब बात प्रायोरिटी की आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स की तरफ जाते हैं, इंग्लिश को सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए ये डर मिटाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या सोचना चाहिए या किस तरह की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए कि इंग्लिश भी उतना, क्योंकि स्कोरिंग है इंग्लिश, आपने खुद ने अच्छे स्कोर किया है तो इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही, तो इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि अच्छा स्कोर कर ले, तो मैथ्स में अगर कोई पीछे भी रह रहा है तो वो इंग्लिश कंपनसेट कर सकता है उसे। मैम अगर बड़ी पोस्ट लेनी है आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ के छोटी पोस्ट ले सकते हो कि चलो इस पे कम ध्यान दे, लेकिन जब आपको चाहिए कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, डब्ल्यू बनना है, तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाता है कि इस चीज इस सब्जेक्ट पे काम करते हैं, इस पे करते हैं, तो वो नहीं था। और मुझे शुरू से यही था कि पोस्ट लेंगे तो बड़ी लेके निकलेंगे, तो मैंने शुरू से हर सब्जेक्ट पे फोकस किया, किसी को भी ये नहीं कि इसको छोड़ना है, इसको कम वेटेज देना है, सबको बराबर से वेटेज दिया, जो जितना टाइम जितनी इम्पोर्टेंस डिजर्व करते हैं उस सब्जेक्ट को दिया। और उसके बाद जब मैं वीआईपीएम में आया तो आधा काम तो सर की क्लास में हो जाता था। सर एक तो सर का जो कंसेप्ट है प्लस सर खुद सेंटेंस बना बना के जो पढ़ाते थे, हालांकि मैं डिजिटल ब्रांच में पढ़ूं उसके बावजूद भी जो सर मतलब फोटो खींच के वहां मंगा लेते थे और फिर सब देर डांटते थे, तो उससे काफी रहता था कि हम ओरिजिनल ब्रांच से अलग नहीं पढ़ते, और वहीं से सब कुछ हुआ। और जो मैथ्स और इंग्लिश में से उसकी बात है तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और सब किसी को जब बड़ी पोस्ट लेनी हो, टॉप की पोस्ट लेनी हो, तो फिर ऐसा सोच ही नहीं सकते कि एक को कम वेटेज दें, एक को ज्यादा, सबको बराबर से पढ़ना ही पड़ता है, और जितना उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करें उतना ही ज्यादा सही रहता है। एक मोहित जी, स्टूडेंट्स के साथ ये रहता है, जैसे आपने भी 2018 में एग्जाम दिया था और अभी आप लोगों का रिजल्ट आते आते 2021 आ गया है, तो ये एक होता है ना कि पेशेंस टेस्ट है ये, तो स्टूडेंट्स में अगर इतना पेशेंस नहीं हो तो इतना लॉन्ग वे ट्रेवल करना थोड़ा सा हेक्टिक सा लगता है, बच्चे थक जाते हैं, अब इससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए क्या मतलब ऐसी कुछ प्लान होता है कि मोटिवेटेड रहे हमेशा, कुछ मोटिवेशन ऐसा?
जो डीमोटिवेट मैम, अगर प्रोसेस पता है कि एक साल में कंप्लीट हो जाएगा तो मोटिवेशन ऐसे ही रहता है, पर जब ये जब केस में एग्जाम चला गया, कोर्ट में चले गए एग्जाम, तो उसके बाद डेट के बाद डेट, डेट के बाद डेट, तो वो प्रोसेस काफी हेक्टिक हो जाता है। पर ये लगता है कि प्रोसेस है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। आप किसी प्रोसेस का पार्ट बन गए और वो प्रोसेस अब सही नहीं चल रहा तो उसको छोड़ के नहीं जाया जा सकता। अब एक बार किसी चीज में शुरू कर दी, तैयारी घुस गए, एंटर कर लिए, तो फिर वहां से सक्सेसफुल होके ही निकलना है। यही था कि अब बस यहां से निकलेंगे तो कुछ बन के ही निकलेंगे। और काफी उस दौरान पेशेंस, सही बात है, उस टाइम काफी डिमोटिवेट हो जाते थे जब कोर्ट की डेट, आज उम्मीद थी कि कोर्ट फ्री कर देगा, एग्जाम हो जाएंगे, पता चलता था 2 महीने बाद की डेट देती, तो फिर फैमिली से फोन पे बात करते थे। फैमिली का कभी मेरे को प्रेशर नहीं आया, फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे साथ एक जो प्लस पॉइंट रहा इन 4 सालों में, कभी फैमिली ने कभी प्रेशर नहीं बनाया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो जब भी डिमोटिवेट होता था तो अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, जो मेरे वेलविशर थे, उनको फोन कर लेता था और वहां से वापस मैं बैकअप करता था। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा इनकी स्ट्रेटेजी में इनकी फैमिली, इनकी कंटिन्यूटी, इनका पेशेंस, सबने अपना अपना रोल निभाया। तो मोहित जी, लास्ट में मैं चाहूंगी आप स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशनल ऐसी बात कहें ताकि वो भी इस राह में और अच्छे से अग्रसर हो पाए। जो प्रोसेस है, अगेन वही बात रिपीट होगी, जो एक बार कुछ ठान लिया कि ये करना है, प्रोसेस में एंट्री कर चुके हैं तो फिर उस प्रोसेस को कम्प्लीट करना ही है। किसी काम को छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना है। ये चीज जहाँ होती है ना कि अब एक बार को हाथ में लिया है काम तो पूरा करके ही दम लेंगे, वो वाली चीज बहुत मायने करती है कि उसको झेल जाना उस पूरे प्रोसेस को कि हाँ नहीं, एक दिन आएगा रिजल्ट आएगा, एक दिन रिजल्ट आएगा, एक दिन रिजल्ट आएगा, और उस दौरान छोड़ना भी नहीं, कैसे नहीं कि हो जाएगा तो प्रिपरेशन छोड़ दी, कुछ और कर लिया। अपने आप पे विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। जब तैयारी करी तो उस दिन पहले दिन से ये था कि हाँ मैं कर लूंगा। अगर कोई 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 ये होता है कि जैसे कहीं मेरे साथ के थे, वो ये बोलते थे कि पहले बार में नहीं, अपन तो दूसरी तीसरी बार में करेंगे, 19 में करेंगे, 20 में करेंगे, तो तैयारी ये सोच के करते थे कि 19 का करना है, 20 का करना है। पर मैंने हमेशा ये सोचा कि 18 में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो उसका जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस पे काम करें और अपने आप पे विश्वास बनाएं कि मैं कर सकता हूं। और सर का गाइडेंस हो, मोटिवेशन हो, जैसे अजीत सर का जो रहता है, बैच खत्म होने के बाद सर के पास मैं आ जा करता था कभी कभार, तो जो यहाँ से मोटिवेशन मिलता था, सर भी मोटिवेशन वीडियो बना बना के भेजते थे, तो उन सब का जब भी डिमोटिवेट होते थे तो अपने टीचर से बात कर लेते थे। अजीत सर के पास मैं काफी बार पर्सनली गया, उन्होंने बोला यहाँ पर जो एटमोसफेयर था, यहाँ पे सेलेक्टेड बच्चे भी वीआईपी में अपने बैठे तैयारी करते हैं लाइब्रेरी में, तो वहां पर जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे बात करता था, वो बोलते थे भाई प्रोसेस है, प्रोसेस है। तो वहीं सबसे जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जैसे वीआईपीएम का एटमॉस्फेयर, यहाँ सेलेक्ट बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आईआईटी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो जो एक एटमॉस्फेयर होता है जहां से आप निकले हो, जिसमें आप रह रहे हो, वो एटमॉस्फेयर काम करता है। तो वीआईपीएम के एटमॉस्फेयर से, सर के गाइडेंस से, उस प्रोसेस को मुझे बियर करने में आसानी हुई। तो तैयारी के दौरान एक ये जरूर देखना चाहिए कि आपका एटमॉस्फेयर आप पॉजिटिव बना के रखें। तो फ्रेंड्स, मोहित जी ने बताया कि स्टडी में एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज का हमारा ये सेशन मोहित जी के साथ बहुत शानदार रहा और मैं आई होप फ्रेंड्स आप भी द जेम्स ऑफ वीआईपीएम का पार्ट बने, आप भी यहाँ आए। तो अब आपको बस निरंतर बिना रुके लगातार स्टडीज में लगे रहना है और एक दिन इंटरव्यू का पार्ट बनने के लिए ट्राई करना है। मोहित जी के साथ ये सेशन बहुत शानदार रहा। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग भी इसी तरह पढ़ते रहे निरंतर और एक दिन सेलेक्ट हो और द जेम्स ऑफ वीआईपीएम का पार्ट बने और लाखों स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करें। थैंक यू मोहित जी फॉर कमिंग, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।